2020 चुनाव के पहले दिल्ली के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का लोकल सर्वे, दिल्ली दिल से। सब टेम्परेरी खड़े हुए यहाँ पर, पार्किंग वाले 50-50 रुपए लेते हैं। कस्टमर भी नहीं है, आता है तो वैसी पार्किंग से डरता है। जैसे बड़ी मार्केट्स में हो ही गया है मल्टी लेवल पार्किंग, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ होना चाहिए। सबसे ज्यादा यहाँ प्रोग्राम सड़क का, देखो कितना गड्ढे जल में निकल के आना पड़ता। कोई गलियां नहीं बन रही, कोई सड़कें नहीं बन रही, किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा। घरों में तक में पानी जा रहा, दरवाजों के आगे सारा पानी पानी पड़ा। और ये कितने सालों से है, ये अब इससे नहीं, कितने सालों से है। ये नाले सारे भरे हुए, कई फिर कम्प्लेंट दे दी, कम्प्लेंट में आम है, अपनी जेब में भरे हैं, चले जाए हैं। जैसा नाले का पानी जैसे बीच में मिल के आ रहा है, ऐसी बदबू आती है पानी में बहुत ज़्यादा। जहाँ आप लोग खड़े हो ये एरिया थोड़ा चोरी चकारी वाला ज़्यादा एरिया है, सीलमपुर वैसे मशहूर भी है। इसमें तो घटनाएं वगैरह होती रहती हैं, चोरी चकारी है, चलता रहता है यहाँ पर, कभी मोबाइल छीन लिया किसी से कुछ। नो द नेशन आ पहुंची है दिल्ली के गांधीनगर विधानसभा। आइए यहां के लोगों से जानते हैं कि दिल्ली दिल से क्या चाहती है। गांधीनगर मार्केट में पार्किंग की बहुत समस्या है, क्योंकि ना ये ऑन रोड पार्किंग लगती है, इसे कहीं इसके लिए एक अथॉराइज पार्किंग बनानी चाहिए। आने जाने वाले को परेशानी होती है, जाम लग जाते हैं। ये तो जब से देख रहा हूँ मैं तो यहीं देख रहा हूँ, रोड पे ही लगती है। यहाँ तो 50-50 रुपए लेकर पार्किंग हो रही है यहाँ पर फ्री में, अनऑथराइज पार्किंग। पार्किंग की बड़ी दिक्कत रहती है यहाँ पर, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती है। अगर पार्किंग है तो रेट चार्जेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, दो दो घंटे के 100-100 रुपये, 300-300, 200 रुपये ले लेते हैं। कस्टमर भी नहीं है, आता है तो वैसी पार्किंग से डरता है। ये एशिया की लार्जेस्ट होलसेल मार्केट है और यहाँ पे पार्किंग की बहुत दिक्कत है, इवन कस्टमर्स को भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर गाड़ी वो पार्क करते हैं तो वो क्रेन उठाकर ले जाती है और हमें तो गाड़ी रखने की जगह ही नहीं मिलती। तो सबसे मेन प्रॉब्लम तो पार्किंग की है यहाँ पर। हर बार ये वाले मुद्दे चुनाव में ही उठते हैं, अदरवाइज तो कुछ होता ही नहीं है। जैसे बड़ी मार्केट्स में हो ही गया है मल्टी लेवल पार्किंग, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ होना चाहिए। पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। गाड़ियाँ बाहर की आती हैं यहाँ पे, उन्हें पार्किंग मिलती नहीं है, फिर क्रेन वगैरह ले जाती है बेटा, बहुत दिक्कत। सबसे बड़ी कमर्शियल एरिया होने की वजह से पार्किंग सबसे मेन मुद्दा है यहाँ। पार्किंग की तो सबसे पहले जरूरत है, बननी चाहिए तुरंत। उससे व्यापार भी बढ़ेगा, कस्टमर को भी सहूलियत रहेगी और जो है समस्या भी हल हो जाएगी हमारी। लीडर को कहो जान, लीडर उधर कोई नहीं सुनता। कितने ऑटो ऑन रोड खड़े हैं, इन ऑटो को खड़े होने की परमिशन है, लेकिन कोई अगर प्राइवेट व्हीकल यहाँ के खड़ा हो जाता है तो उसका तुरंत चालान काट दिया जाता है। अगर एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट रेडीमेड गारमेंट में ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है यहाँ पे व्यापारियों को, तो ये बहुत गलत बात है। इसके लिए प्रशासन हो गया, हमारी राजनीतिक पार्टियाँ हो गई, सबका दोष है। फेलियर है यहाँ पे, टोटल फेलियर है इस चीज़ में हमारे यहाँ पे प्रशासन। पार्किंग का इशू ये है, यहाँ पे कोई भी एक स्थाई पार्किंग नहीं बना रखी है गवर्नमेंट ने। मार्केट इतनी बड़ी डेवलप हो गई है, ये बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन पार्किंग इस एरिया में एक भी स्पेस पार्किंग के लिए सरकार ने नहीं बनाया, जो कि सरकार को बनाना चाहिए। इसमें दिल्ली गवर्नमेंट को बनाना, कोई भी इसमें अपना वो नहीं देता कि अगर कोई जगह तो वो दें, एक हमें वो जगह बता दें कि भाई यहाँ पे हमने पार्किंग आपके लिए अलॉट कर दी है, आप लोग उस पार्किंग में जाइए। सबसे ज़्यादा यहाँ प्रोग्राम सड़क का है, देखो कितना गड्ढे किसी चलो में निकल के आना पड़ता। सड़क नहीं बन रही, नाली नहीं बन रही, कुछ भी नहीं बन रही है इसमें कॉलोनी में। काफ़ी दिनों की है, अट गई, ख़राब हो गई, बननी चाहिए दोबारा करके। सीवर तो बन गए हैं, चालू नहीं हुए सीवर। सड़कें खुदवा दी है पूरे इलाके की, कोई गलियाँ नहीं बन रही, कोई सड़कें नहीं बन रही, किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा। नाले के अंदर 2 बच्चे आज से 4 साल पहले गिर के मर चुके हैं, आप मालूम कर लें सबों से। सारी गलियाँ खुद ही पड़ी हुई हैं, सारे नाले खुदे पड़े हुए हैं, पर उन गलियों में बेटा मसाला नहीं डाला जा रहा, उन गलियों के अंदर मटेरियल नहीं डाला जा रहा। यहाँ पे क्या प्रदूषण ज़्यादा है, कुछ काम नहीं है, सड़कें बन रही हैं यहाँ पे, कुछ नहीं हो रहा सड़कों में, प्रदूषण, बच्चे खेल रहे, बीमार हो रहे लोग। ये एरिया में तो ये सड़कें पड़के सब टूटी पड़ी हैं, ये पानी बंद हो जाता है सड़कों पर डोले, फिर वो नाली बंद हो जाती हैं। सारी गली अभी तुम चल के देखो, सारी गली भरी पड़ी हुई है सब,
घरों में तक में पानी जा रहा, दरवाजों के आगे सारा पानी पड़ा। और ये कितने सालों से है, ये अभी से नहीं, कितने सालों से है। सबको परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। ये नाले सारे भरे हुए, कई फिर कम्प्लेंट दे दी, कम्प्लेंट में आम है, अपनी जेब में भरे हैं, चले जाए और कोई काम करके देते ना। कई साल हो गए, कई बीच ऑफ कम्प्लेंट हो गई, ये भर जाओ उनकी, वो अपने घर कर रहे हैं, कोई से लीडर आ जाओ मैडम, कोई ना सुनते हैं यहाँ। ये नाले से परेशानी है, घर भर जाए, सारे घर भर जाए यहाँ से वहाँ तक, क्या करें। न खाए के, नमाज पढ़ने के, न खाए के, न निकलने के, न बढ़ने के, घर में बड़े रहे। ये लगभग 5 फीट डीप है और ये सदैव जो है ना पूरा खाली नहीं करते, अभी भी उन्होंने खाली करा है, जेसीबी लगाई है, लेकिन जब लगाते हैं, जब कोई हादसा हो जाता है। अभी भी यहाँ पर कुछ दिन पहले एक घोड़ा फंस गया था, जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और अभी एक बच्चा, कुछ यहीं के रहने वाले हैं, अपने बच्चे को लेके जा रहे थे तो वो इसी नाले के मोड़ पर वो गिर गए और बहुत पूरी तरीके से कुछ लोगों ने बचा लिया। 3 बच्चे उनके साथ थे, वो सेम इस नाले में गिर गए बाइक के साथ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर दिल्ली सरकार और यहाँ के RWA जो भी NGO वगैरह हैं, उन्हें जागरूक होकर सभी के जो जवाबदेही जिनकी है उनसे वो काम लें, और कृपया उन्हें भी इसका समाधान शीघ्र करना चाहिए। जैसा नाले का पानी जैसे बीच में मिल के आ रहा है, ऐसी बदबू आती है पानी में बहुत ज़्यादा। ये तो काफ़ी टाइम से है, 2-3 साल से देख रहा हूँ मैं, ज़्यादा गंदा आ रहा है पानी। पहले सही था पानी, अभी हुआ है इस खास में गंदा होने लगा ज़्यादा। बीमारियाँ ही हैं घर में, और क्या, गंदा पानी पियेंगे तो बीमारी होंगे। जहाँ आप लोग खड़े हो ये एरिया थोड़ा चोरी चकारी वाला ज़्यादा एरिया है, सीलमपुर वैसे मशहूर भी है, पीछे जो घटनाएं होती रहती हैं इस चक्कर में, उधर से लोग बार भगते हुए आते हैं, मेरा मोबाइल ले लिया, मेरा ये लेके भाग रहे हैं। अब उस तरह तो ये चलता रहता है, पुलिस कंप्लेंट होती है, यहाँ पे बूथ भी बना हुआ है कोने पे। मैं तो घटनाएं वगैरह होती रहती हैं, चोरी चकारी है, चलता रहता है यहाँ पर, कभी मोबाइल छीन लिया किसी से, कुछ बैग वगैरह भी, और जो माल वगैरह जा रहा है वो काट पीट देते हैं, ब्लेड से काट के ले जाते हैं छीन छान के, पब्लिक परेशान होती है यहाँ पर। तो कब से हो रहा है ये तो चलता ही रहता है जी, सीलमपुर है तो चलता ही रहता है। जैसे कि यहाँ चोरी है, चैन खींचने वाली बाप है और पॉकेट मारी है, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे चोरी बहुत होती है, बहुत गुर्दागर्दी होती है, ना हक सताते रहते हैं, छीना झपटी ज़्यादा करते हैं ये लोग। कहते हैं तो भैया दे दो, तो कह रहे हम तुम्हें मार देंगे, उल्टा कर देंगे, कभी हाथों से मोबाइल छीन के लेके जाएंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। चोरी का यहाँ तो आम हो चुकी है, अब चोरी, मर्डर, रेप, हर चीज़ यहाँ पे आम हो चुका है समझे। पुलिस भी बेचारी बहुत साथ देती है, लेकिन वो छुट छुट के फिर आते हैं, फिर इसी काम पर लग जाते हैं वो समझे। उनका तो कोई रोजी रोजक है ही नहीं, यही बात है, खाली बांध बनानी, उसको मारना, उसको छीन लिया, उसको करना, बस यही यहाँ पर क्रिमिनल है।